के अंदर 1007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है, और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ये डबलिंग रेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एट फील्ड लेवल। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें अपनी विजिल को उसी हिसाब से, उसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेज आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेज आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक, तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहां पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और आईएलआई के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स देश में बढ़ाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेस रिकवर्ड हुए हैं वर्सेज जो केसेस जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है। और उसी समय में लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इम्प्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकें। साथ ही 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। इसके साथ ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और ऐसी एंसिलेटरी सपोर्ट डिवाइसेज पर भी CSIR की इंजीनियरिंग लैब्स, श्री चित्रा इंस्टीट्यूट द्वारा इंडिजिनस डिजाइन बनाए जा रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को आंध्र मेडटेक जोन में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी सपोर्ट किया है। RT-PCR किट्स का इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स पर काम हो रहा है और हम उस स्थिति में होंगे कि इंडिजिनसली इसमें 10 लाख किट पर मंथ मई में बनाई जा सकें। साथ ही रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स पर भी हम काम कर रहे हैं और मई तक हम लोग 10 लाख रैपिड इंडिजिनस किट्स डिटेक्शन किट बना पाएंगे। वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारी कैपेसिटी, हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में 6000 वेंटिलेटर पर मंथ की कैपेसिटी क्रिएट की गई है। इस तरीके से डायग्नोस्टिक्स हों, थेरेप्यूटिक्स हों या वैक्सीन्स हों, इसमें नेसेसरी एफर्ट पर वॉर फुटिंग